रानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 22 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व फल दिवस, बी विश्व जल दिवस, सी विश्व मतदाता दिवस या डी विश्व मानव दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर अलग अलग जिले से आए 3 कैदियों की इलाज के दौरान गई जान। बिहार के अलग अलग जिले से आए 3 कैदियों की जान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के दौरान हो गई। जानकारी के अनुसार पहला कैदी पूर्णिया जिले के रहने वाला बेचन ऋषि को पूर्णिया पुलिस ने शराब के नशे में 5 दिन पहले गोकुलपुर पंचायत से गिरफ्तार किया था। 5 दिन पहले हुई गिरफ्तारी के बाद उसका जेल में ही तबीयत बिगड़ गया, जिसके बाद पूर्णिया अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। गिरफ्तार आरोपी की हालत गंभीर होने की वजह से उसे भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जिसके बाद सोमवार के अगले सुबह इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी घटना बांका जिले के रजौन प्रखंड के साझा पंचायत की है, जहां खूनी केस में तेतर मंडल को रजौन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 20 वर्ष की सजा में उसे सेंट्रल जेल भागलपुर में रखा गया था। उसकी भी तबीयत बिगड़ने के बाद भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरा मामला बांका जिले के चानन थाना के क्षेत्र से है, जहां शराब के संग छापेमारी में दीपक राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूर्व में दीपक राम अस्पताल के एम्बुलेंस का ड्राइवर था। जानकारी के अनुसार किडनी खराब होने की वजह से उसकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। क्या घटना घटी थी? घटना के बारे में तो आज से 5-6 दिन पहले इसको जो है दारू के कारोबारी में जो है कि इसको जयनगर थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और आज सुबह 6 बजे हमें जेलर के द्वारा सूचना दिया गया कि पार्षद साहब थोड़ा सा जो है कि बेचन ऋषि के घर पर थोड़ा सूचना दे दीजिए कि आपका बेचन ऋषि जो है रात में ऐसे हो गया, भर्ती जो है कि तबीयत बिगड़ जाने के कारण उसे हम लोग सदर हॉस्पिटल ले गए। सदर अस्पताल में ज़्यादा स्थिति खराब होने के कारण जो है कि वहाँ से उसको रेफर भागलपुर मेडिकल कॉलेज किया गया, और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दरमियान ही 5:50 में उन्होंने दम तोड़ दिया। किस मामला में उनकी गिरफ्तारी की गई थी? वो शराब बेचने की आरोप में। अच्छा, कहाँ पर इनकी गिरफ्तारी? वो गोकुलपुर पंचायत वार्ड नंबर वार्ड। उसके बाद उसको कहाँ ले गया? और उसको थाना ले गया, के नगर। अच्छा, उनको पूर्व में से कोई बीमारी था? नहीं, कोई बीमारी नहीं था। अच्छा, डेट होने की वजह क्या है कि कैदी है उसके बावजूद उनका डेट हो गया? हाँ, कैदी है उसके बावजूद उसका डेट हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही बरती गई हो इसी के वजह से उनका डेट हो, क्योंकि उनका पूर्व में कोई बीमारी भी नहीं? हम लोगों को देखिएगा कि हम लोग को एक बार भी मिलने के लिए नहीं दिया गया। कई हाँ। बार गए, 2-3 बार, पर मिलने के लिए नहीं दिया गया। हाँ। एक बात है, बोलते थे मिलेंगे तो बोलता था नहीं, अभी नहीं मिलने के लिए देंगे। अगर उनसे मिलते हैं तो उसका हौसला बढ़ सकता था थोड़ा दिन। बताइए किस तरह की घटना की गई? सबसे पहले हम इस घटना से बहुत दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं। यह शराब बेचने के आरोप में इसको थाना इसको ले गया था, तो थाना में तो इसको मिलने के लिए दिया गया था,
उसके बाद इसको जेल ले गया। जेल ये लोग गया इसका परिवार भेंट करने के लिए, तो वहाँ उसको भेंट करने के लिए नहीं दिया गया। उसके बाद सदर हॉस्पिटल भेजा इलाज के दौरान, वहाँ भी उनको सूचना नहीं मिला। भागलपुर भेजा, वहाँ भी उसको सूचना नहीं हुआ। मृत्यु के बाद उसके बाद जिला परिषद के द्वारा सूचना इनको मिला। इनकी पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है कभी? नहीं, इनका गिरफ्तारी कभी नहीं हुआ था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, कोई क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि शराब बेच रहा था या बेचने के आरोप में पकड़ाया किसी कहने के द्वारा? नहीं, उसको बेचने का आरोप। बिहार दिवस पर नवगछिया स्टेशन रोड में सौंदर्यकरण को लेकर लगाए गए 50 अशोक के पेड़। बिहार दिवस के अवसर पर नवगछिया के स्टेशन रोड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीओ ई अखिलेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएस दुबे, जीआरपी थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार सहित शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान नवगछिया स्टेशन रोड से सब्जी मंडी के हटने के बाद स्टेशन रोड के सौंदर्यकरण को लेकर सड़क के किनारे किनारे वृक्षारोपण किया गया। स्टेशन रोड में वैशाली चौक से लेकर स्टेशन चौक तक कुल 50 अशोक के पेड़ लगाए गए। सर्वप्रथम एसपी सुशांत कुमार सरोज एवं एसडीओ मुकेश कुमार ने पौधरोपण किया। इसके बाद सभी पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने पौधारोपण किया। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि बिहार दिवस के अवसर पर ये पौधरोपण का कार्यक्रम हुआ है। सड़क के किनारे पौधरोपण होने से शहर का सौंदर्यकरण होगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि शहर में हाट की व्यवस्था नहीं होने से स्टेशन रोड जाम की जद में था। सब्जी हाट की स्थायी व्यवस्था कर स्टेशन रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्य में एसपी महोदय का भरपूर सहयोग मिला। बिहार दिवस पर सड़क के किनारे पौधारोपण होने से शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। आने वाले समय में शहर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्यकरण को लेकर प्रशासन स्तर से आगे भी प्रयास किया जा रहा है। 15 दिनों से लापता विकास का नहीं मिला कोई सुराग, हत्या कर शव को कोसी में बहा देने की आशंका। नवगछिया रंगरा थाना क्षेत्र के मंदरौनी शांति विहार से 15 दिन पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुए विकास कुमार का कोई अता पता नहीं चल पाया। रोज विकास की बूढ़ी माँ कोसी किनारे जाकर सूनी आंखों से अपने पुत्र की तलाश करती है और कोसी मैया से विकास के सही सलामत आ जाने की मनोकामना भी करती है। रहस्यमय परिस्थिति में विकास के लापता हो जाने के 15 दिन बाद पुलिस द्वारा किए गए कार्य से परिजन संतुष्ट नहीं। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने अपने पिछले दिनों गोताखोरों की मदद से कोसी नदी में विकास की खोजबीन की थी, लेकिन गोताखोर नदी के तट पर ही खोजबीन कर वापस लौट गए। परिजनों सहित आसपास के ग्रामीणों को शक है कि विकास की हत्या कर उसके शव को कोसी में बहा दिया गया। हालांकि परिजन इस तरह की बात शंका और आशंका के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन विकास के मोबाइल का अंतिम लोकेशन मंदरौनी कोसी तट स्थित शिव मंदिर के पास का मिलना निश्चित रूप से किसी अनहोनी की ओर आशंका कर रहा है। वहीं परिजनों ने बताया कि विकास के सेवानिवृत्त पिता देवेंद्र सिंह ने पिछले दिनों 3 लाख रुपए बैंक से ऋण लिया था। कुल रकम में से 50,000 रुपए विकास के पास ही थे। इस रकम का भी कोई अता पता नहीं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी रकम के कारण अपराधियों ने विकास को टारगेट किया होगा। बहरहाल रंगरा पुलिस मामले में सघन छानबीन का दावा कर रही है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर छानबीन की जा रही है। लापता युवक के कुछ मित्रों से भी पूछताछ की गई। पुलिस हर दृष्टिकोण से छानबीन कर रही है, साथ ही युवक की सकुशल बरामदगी हो इसके लिए पुलिस पुरजोर प्रयास कर रही है। मैं आपका मुकेश कुमार सिंह। उनका क्या नाम था जो खोया? विकास कुमार सिंह। क्या काम करते थे? ये घर में रहते थे, खेती पत्ती फलना चिलना सबको वही देखता सुनता था। कब से घूमे हो? 7 तारीख को शाम से गए। आप लोग से कुछ बता के गया था क्या? नहीं, कुछ नहीं बता के, बोला चौक पर से हम आ रहे हैं। तुम लोग शाम को गया यहाँ से? बोला आते हैं घूर फिर के चौक, मदरौनी चौक पे गया, उसी जगह से गायब है। तो रिलेशन में कहीं पता किए? हर जगह पता कर लिए, जहाँ जाता था वो 1 से 2 दिन नहीं रहता था, वो घर घूर के आ जाता था। उनका शादी उदी हो गया था? नहीं, शादी नहीं हुआ। तो आप लोग, आप भाई हैं? हाँ। कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई हैं। तो आप लोग थाना में आवेदन दिए क्या? हाँ दिए हैं। तो क्या क्या बताए बराबर?
आया, हल्का फल्का कुछ एक्शन लिया, उतना एक्शन नहीं ले रहा है कि हाँ खोजें इसको, पता लगाएं, ये सब कुछ नहीं। एक कल चार गो आया था गोताखोर बगले बगल, कोई व्यवस्था नहीं उसको। तो गोताखोर क्यों आया था? लाश को खोजने के लिए। क्यों? आप तो बोल रहे हैं गुम है, तो फिर लाश पानी में कैसे खोजवा? शंका पे हम लोग बोले कि उसको मार के फेंक दिया है या जो किया है, यही शंका पे। कहाँ पे खोजवा रहे थे? कोसी नदी में, शिव मंदिर के पास। जाते दुश्मनी किसी से नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं। अब जो हाँ उसके चारों... पास में ये हमको लगता है कि कुछ पैसा के वजह से उसको पैसा मार... था उसके हाँ। पास कितना लमसम? 25 हो 30 हो 50 हो यही अंदाज़ क्या? 50,000 हाँ, इसी के वजह से। 50,000 फोन नहीं है उनके पास? फोन था लेकिन लोकेशन उसका लास्ट बता रहा था शिव मंदिर के पास, उस जगह से लोकेशन उसका। कितना नंबर था उनके पास का मोबाइल नंबर? कितना नंबर है? नंबर याद है? बताइए नंबर तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नितिन कुमार। कौन लगते हैं? भतीजा है उनके। अच्छा, तो उनके पास जो मोबाइल नंबर था, नंबर बताइए आप तो। 7631513246। आप लोग से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ? घर से लड़ाई उड़ाई तो नहीं हुआ था? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। पीछे अपना? हाँ, मम्मी। आपने कुछ बतेल के नहीं जाए? ना, हम रात कुछ नहीं बतेल के। सवेरे उठले माने काम धंधा क्या कर, चाय दूबेर बना के बापो के दिल के, हमरो दिल के, फिर दूध ओट लेके, दूध ओट के मैं चला गए चंदीस घूमे ले। वहाँ से जब अले तो 11:30 भले, तो खाना बनल के, तो हमारा आर के 1:30 1 बजे खाना हमारा आर के दिल के खाना खाए। तकर बाद वो सब हमें खा के हमें मनो खा के पचा रही सब चीज चाय दिल के। तकर बाद बाप और नहले सब, तो 4 बजे तीनों बापूत बैठ के खेल के, तीनों बापूत परेश के मान भतीजा पिताजी अपना खा के मान एक रत्ती पटेले 6 बज गए। 6 बजला के बाद मान वो मान चाय बनल के भतीजा मुनू चचा के दिल के, मुनू चचा के दिल के, बाबा के दिल के, हमरे दिल के, अपनो ले के। हमें सब घर में बैठल थे पिए रही आ नुनू अठिन रहे बोलता रहे थे पी के आ घर गए। घर में कैसे जाए गए की खाना बनेबी? तो हम कहे रे बेटा हमरा तो हाथ उड़ नहीं से की बनेब, बोलबो तब ना बोलबो तो मान बनते बोते बनते। तो कल के कि भेज दे कुकू छो ना 2-4 टा के रोटी बना ले आ रोटी बना कुकू कौन है? निखिल जी लिखा कहीं अथी क्या दे रोटी बना ले तरकारियो छो भातो छो मन ही निकल के अब हमें तो खेब से बात बना ले हमें ये नहीं कहल के। ओ दिना बहुत मन सुस्त होकर नहीं ऊपर नीचा नहीं ताकल के दाइयो के मुँह देखे छे पप्पो के मुँह देखे छे से बात नहीं मन खाना उना खा के चाय पी के पूरी आना आना करी के कैसे जाइए अब रात के ही रोटी बना लेते। बस सीधा घर से निकल के चल गए कुछ नहीं बतल के पैदल गए गाड़ी घोड़ा में? नहीं, गाड़ी घोड़ा से नहीं गए बेटा, पैदल। हाँ, मन वहाँ चौक पर से 7:30 ये सब चलो अले एक भतीजा गया उसको ठंडा खरीद बोला तुम जाओ। हाँ, फिर ठंडा भी दिल के एक हफ्ता ठंडा दाखा। तकर बाद मान वहीं रह गए 7:30 के बाद वहीठना जो मान कोई देखल के कोनो गाड़ी जा रहे तो मान इतने टा क्या क्या वहीठना 7:30 के बाद वहीठन से कहाँ गए नहीं गए तो हमरा कोसी किनार हम बराबर जै दिन से मान हमारे बच्चा गायब भले बिहान से हमें वहाँ जाकर कानै छे बाजे छे जे हमर बेटा आबो हमर बेटा के दे हमर बेटा मने मरियो गेले हम जिंदा बेटा लेबो हमें जिंदा बेटा हमरा दे। अपने के नाम की छे? हमर नाम छी गायत्री देवी। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
नवगछिया पीएचसी में पेंशनर्स का वैक्सीनेशन प्रारंभ। नवगछिया पीएचसी समेत प्रखंड के सहू परवत्ता ढोल बज्जा जमुनिया के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों में पेंशनरों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सुबह नवगछिया पीएचसी में वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन नवगछिया के बीडीओ प्रशांत कुमार और पीएचसी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने फीता काट कर किया। जानकारी मिली है कि सोमवार को सभी व्यक्ति नेशन सेंटर्स पर कुल 220 पेंशनरों का वैक्सीनेशन किया गया। नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान में एक ओर जहां पेंशनरों का टीकाकरण हो जाएगा, दूसरी तरफ पेंशनरों के लाइफ सर्टिफिकेट का नवीनीकरण भी हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक पेंशनरों को इस अभियान के तहत टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन में डॉक्टर ज्योत्सना कुमारी, कोविड नोडल पदाधिकारी डॉक्टर बी दास, दंत चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर रश्मि, राजीव कुमार, विनय कुमार, सुनीता कुमारी, स्वाति संगम, शारदा पासवान, सुशील रानी, डॉक्टर संजय, मोहम्मद बहाव, वृंदावन पोद्दार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। नवगछिया, बिहार दिवस के अवसर पर छात्रों के बीच मुख्यमंत्री का संदेश वितरित। प्रखंड रंगराज चौक अंतर्गत सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में बिहार दिवस का आयोजन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनरल नॉलेज की प्रिंटेड संदेश प्रति छात्रों के बीच वितरित किया गया। वहीं इस मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंगराज चौक विजय कुमार झा प्रखंड के विभिन्न विद्यालय का दौरा कर कार्यक्रम का जायजा लिया एवं शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए अपने हाथों से मुख्यमंत्री के संदेश की प्रति शिक्षकों को भी वितरित किया। वही मौके पर श्री झा ने कहा कि बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है, नई पीढ़ी के छात्रों को यह जानकारी देनी चाहिए, इससे छात्रों एवं शिक्षकों में राज्य के प्रति प्रेम समर्पण का भाव बढ़ेगा, जिससे हर क्षेत्र में उन्नति होगी। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। बिहार दिवस से आजादी का अमृत महोत्सव का किया गया आयोजन। जीविका नवगछिया के तत्वावधान में सृष्टि जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ तेतरी के द्वारा बिहार दिवस से आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन सीएलएफ के अध्यक्ष रेखा देवी की अध्यक्षता में किया गया। महोत्सव का शुभारंभ जीविका दीदी के अभियान गीत से किया गया। प्रखंड परियोजना प्रबंधक घनश्याम दीन बंधु ने बिहार दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीविका बिहार भारत के लिए नमूना बना, जो पूरा देश आजीविका के नाम से जाना जाता है। 10 लाख जीविका दीदी का स्वयं सहायता समूह अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय समन्वयक संतोष कुमार ने जीविका दीदी को माननीय मुख्यमंत्री जी के जीविका दीदी के नाम संदेश पढ़कर बिंदु विचार चर्चा की। जीविका दीदी पूजा, कंचन, खुशबू, डेजी ने महिलाओं के विभिन्न योजनाओं को नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रस्तुत किया। जीविका दीदी रुक्मणी, नंदिनी, पूनम, उषा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। नवगछिया को राज्य चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ियों को विधायक ने किया सम्मानित। बीपुर रेलवे मैदान में नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के द्वारा पिछले दिनों हाजीपुर के कुशहा आश्रम में आयोजित 27वीं बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में नवगछिया राज्य चैंपियन बना। चैंपियन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल कुमार व अंकित कुमार शर्मा, अमन कुमार, राजा कुमार, मुकुल कुमार, मोहम्मद सैफ अली, अमित कुमार, गुलशन कुमार, अविनाश कुमार, सूरज कुमार व प्रशिक्षक घनश्याम कुमार को सम्मानित किया गया। सोमवार को बीपुर के रेलवे मैदान पर सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बीपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सभी खिलाड़ियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। वहीं समारोह की अध्यक्षता जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने की। मौके पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनंदन चौधरी सहित कई अन्य उपस्थित थे। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के भवानीपुर गांव में चोरों ने की सेंधमारी, कई सामानों की कर ली चोरी।
नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत रंगरा के भवानीपुर गांव में ब्रज किशोर झा और कन्हैया झा के घर पर रविवार को देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर कई तरह के सामानों की चोरी कर ली। गृह स्वामी ब्रज किशोर झा उर्फ कन्हैया झा ने घटना की सूचना रंगरा ओपी थाने में लिखित रूप से दी। गृह स्वामी ब्रज किशोर झा उर्फ कन्हैया झा ने कहा कि रविवार और सोमवार की दरमियान रात को वे और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रहे थे। लगभग 3 बजे जब वो जगे तो उन्होंने देखा कि दीवार में एक बहुत बड़ा होल है और उसके नीचे काफी मिट्टी बिखरी पड़ी है। जब चेक किया तो देखा कि उनके घर से एक मोटर, एक रसोई गैस सिलेंडर, कुछ फर्नीचर, एक खंती, कुछ बाट गायब हैं। गृह स्वामी ने कहा कि वे लोग दूसरे रूम में थे, इसलिए वे लोग चोरों के कुकृत्य से अनभिज्ञ थे। रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। ब्रजनंदन झा उर्फ कन्हैया जी, पिता जटाशंकर झा, ग्राम भवानीपुर वार्ड नंबर 4, थाना रंगरा चौक, जिला भागलपुर के निवासी हैं। क्या हुआ आपके घर में? मेरे घर में आज चोरी हुई। हम लोग 3:30-4 बजे उठे ना, तो हम लोग को चपाकल के पास रखा, मिट्टी गिरा हुआ था, तो देखे कि भाई मिट्टी के वहाँ दीवार टूटा हुआ है, ताला लगा हुआ था। हम लोग ताला खोल के भीतर गए तो देखे कि घर का मोटर, एक बड़ा सिलेंडर, छोटा सिलेंडर और खटिया का पौवा 4 ठो, मोटा खंती और बटखरा 1 किलो का। किस तरफ से घुसा चोर? चोर घुसा है दक्षिण और पूर्व तरफ। कैसे? दीवार काट के घुस गया। तो आप लोग सोए थे उस रूम में? कोई नहीं सोया था उस रूम में? हम लोग दो ही, हम लोग आदमी रहते हैं, हम लोग उसमें नहीं सोए हुए थे, दूसरे घर में सोए हुए थे। चोरी के बाद आवेदन दिए थाना में? हाँ, थाना में आवेदन दिए हुए हैं। क्या उधर से क्या सलाह मिला था? बोला कि शाम में आएंगे देख लेंगे। आए अभी तक? अभी तक नहीं आया। अब फोन नहीं किया दोबारा थाना? फोन नहीं किया, बोले थे कि हम शाम में चले जाएंगे सेकंड हाफ में। ढोलबजा कदवा में पेड़ से गिरा गरुड़ जख्मी, इलाज के लिए भेजा सुंदरवन। मध्य विद्यालय खैरपुर कदवा समीप पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ का बच्चा गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों द्वारा सूचना डॉक्टर नगीना राय को दिया गया, जहां गरुड़ सेविया राजीव कुमार ने मौके पर पहुंचकर घायल गरुड़ को उठाकर घर लाकर प्राथमिक उपचार किया। राजीव ने बताया कि गरुड़ का बायां पैर व पंख टूट गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गरुड़ को सुंदरवन भागलपुर पहुँचा दिया गया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में शादी के नाम पर झांसा देकर किया यौन शोषण, पीड़ित लड़की ने महिला थाने में दर्ज कराई मामले की प्राथमिकी। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा बिंद टोली गांव की एक लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित लड़की ने नवगछिया महिला थाने में आवेदन देकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बिंदटोली निवासी रवि कुमार उर्फ मंटा को नामजद किया। दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि रवि कुमार ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसने मुझे शादी करने का वादा किया, शादी करने की बात कहकर उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने कहा कि शादी का झांसा देकर उन्होंने मेरा लगातार यौन शोषण किया, इस दौरान मैं गर्भवती हो गई। मेरे गर्भवती होने के बाद जब इसकी जानकारी उसे दी गई और शादी करने के लिए कहने लगी तो वो पीछे हट गया, अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। पीड़ित लड़की ने महिला थाना पुलिस से न्याय की मांग की है। इधर पीड़ित लड़की के आवेदन के आलोक में महिला थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सोमवार को पुलिस ने पीड़िता लड़की का नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया, जहाँ से भागलपुर मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया गया। महिला थाना के प्रभारी पदाधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि पीड़ित लड़की के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। भागलपुर मायागंज अस्पताल में लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। नवगछिया पीएससी में स्थापित किया गया रूटीन इम्यूनेशन सेंटर। नवगछिया पीएससी में कोविड वैक्सीनेशन को सफलता पूर्वक संचालित करवाने को लेकर रूटीन इम्यूनेशन सेंटर बनाया गया। पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण ने कहा कि इस सेंटर में कोविड से संबंधित सभी प्रकार की सुविधा है, जिसमें शीत श्रृंखला कक्ष, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ पूछताछ की सुविधा और सूचना की
सुविधा की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर वरुण ने कहा कि सेंटर का लाभ लोगों को मिलने लगा है। सरकारी जमीन पर मवेशी बांधने के लिए खूंटा गाड़ने पर मारपीट, एक घायल। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में सरकारी जमीन पर मवेशी बांधने के लिए खूंटा गाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में विकास यादव नाम के एक युवक के घायल हो जाने की सूचना है। विकास का इलाज रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया। घटना के बाबत विकास ने रंगरा थाने में शिकायत करते हुए मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। विकास का कहना है कि सरकारी जमीन पर उसने मवेशी बांधने के लिए खूंटा गाड़ा था। उसके पड़ोसियों ने पहले खूंटे को उखाड़ कर फेंक दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके पड़ोसियों विक्की यादव, चंचल यादव समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की। डंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि मामले में छानबीन की जा रही है। नाम से कहा? पिताजी के? उम्र? 25 साल। घर? रोनी। की मैटर है, केना मारपीट होला? झगड़ा होले सका आगुम छे, जमीन छे, ठीक छे। हां, चाचा के जमीन छे। के नाम छे चाचा के? मोहित। के ती स्टोरी जादा हां? ये स्टोरी जादा सुबाले जादा। हां, सुबाले डायरेक्ट बोलन सुबाले जादा। किन पिता करो? नगसर जादा। हां बस, केना छे ने जमीन के रोच के हम गाय मार खाली छे ने प्लाट में बोनै छे गाय मार। हां, या खुट्टा गाय फेक ले गो, अकेले खुट्टा गाय कैना फेक ले, खुट्टा तो की कर ले। हां, तई दोगलो के बाप दादा के बोलन के रा बोलन छे बोलाय। हां, फिर के मारे के मार लख सब जी भाई मार के कने नाम बतावा सबके बाल बच्चा बहनी तहनी सब नाम बोलो ना के मार रखो की नाम छे? चंदनी कुमारी। हां, विक्की। हां, चंचल। हां, रामाया। वो सब केस के करो बच्चा सब बच्चे के सब चारों पहुंचे। हां, सब ने मिली के मार लख। हां, सब ने मिली के मार के बाल बच्चा हमरा सब ककनी नहीं के हमरा सब थाना में आवेदन देले रहो? थाना में सुबह दिलिए था लिखी तब गेली। हां, अस्पताल। हां, मेडिकल करवाए तब दिलो छ तो फोन में धरा नहीं कर के तो केना बोलना जे बुलाए ना कोनी बस बोलना जे थाना में बुलाए तो हां दो गेली आइलो छ आने अपना देख रंग आतिए देखे देखे मणिपुर के। विश्व जल दिवस पर खिरनई की स्थिति पर व्यक्त की चिंता। नवगछिया विश्व जल दिवस पर रूरल वाटर सोसाइटी के कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन अध्यक्ष ज्योत्सना झा की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि आज के समय में वही देश सबसे अधिक सुरक्षित और मूल्यवान है जिसके पास साफ और स्वच्छ जल सबसे ज्यादा है। इसलिए प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को पानी की प्रत्येक बूंद बचानी चाहिए। इस अवसर पर श्री झा समेत कई वक्ताओं ने खिरनई नदी की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में इस नदी में कचरे का प्रवाह करने से इसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है और जल विषैला हो गया है। भविष्य में इससे महामारी की भी आशंका है। ऐसी स्थिति में इस नदी की अविरलता के लिए सक्षम लोगों को पहल करनी चाहिए। बैठक में प्रोफेसर बिंदेश्वरी मंडल, संस्थापक सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार झा, सदस्य मोहम्मद रिजवान अली, मनोज कुमार, डॉक्टर उषा शर्मा, प्रोफेसर विभांशु मंडल की भी उपस्थिति देखी गई। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल।
सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।